हुई हवाले, प्रगटे देव गुरु भगवान, जीवन ज्योति देने वाले। जिनको समझा रहा हनुमान, वे तो खुद ही थे गुमराह। जिनको समझा रहा हनुमान, वे तो खुद ही थे गुमराह। तब ही लाखों हुए तबाह, उनके पैरों भोले भाले। तब ही लाखों हुए तबाह, उनके पैरों भोले भाले। प्रगटे देव गुरु भगवान, जीवन ज्योति देने वाले। प्रगटे देव गुरु भगवान, जीवन ज्योति देने वाले। परम पूजनीय सतगुरु, आप देव शक्तियों से विशिष्ट देव जीवनधारी देवात्मा हैं। आप सत धर्म अथवा देव धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आपके ऐसे परम पूजनीय देव रूप को सन्मुख लाकर हम अति तो छाप के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सतगुरु, आपके देव रूप में देव ज्योति जैसी विलक्षण रूहानी ज्योति का प्रकाश और विकास हुआ है। आप अपने ज्योति किरणों को अधिकारी मनुष्यात्मा के भीतर संचार करके उन्हें उनके आत्मा के गर्भ प्राप्त रूप, उसके रोगों, उसके पतन और कुशल को दिखाते हैं। इस प्रकार उन्हें आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, सत धर्म तथा देव धर्म का बोध व ज्ञान प्रदान करते हैं। आपके ऐसे देव ज्योति दाता परम पूजनीय देव रूप को सन्मुख लाकर हम अति तो छाप के श्री चरणों में बारम्बार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय सतगुरु, आपके देव रूप में देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है। आप अपने सरसानी रूहानी बल के द्वारा अधिकारी मनुष्यात्मा के भीतर के नाना नीच सोखों, रागों, निज घृणाओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार उन्हें सत मोक्ष, सच्ची शुद्धि प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर अधिकारी मनुष्यात्माओं के भीतर उच्च भाव व चुन राग उत्पन्न उन्नत करके उनका उच्च जीवन में विकास साधन करते हैं। आपके ऐसे सतमोक्ष दाता परम विकासकर्ता परम पूजनीय देव रूप को सन्मुख लाकर हम अति तो छाप के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे परम पूजनीय भगवान, आज आपका परम पवित्र जन्मदिन है। इस दिन पे हम आपके संबंध में जो सभा कराने जा रहे हैं वो आपकी ही कृपा से सफल हो सके। आपकी ज्योति मिलेगी तो ये सफल हो जाएगा, आपकी शक्ति मिलेगी तो ये हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। आपकी ऐसी कृपा हो और हमारे जीवन के ऐसे नियम पूरे हों कि हम इस समय एकाग्र चित्त होकर, दीन और श्रद्धा भाव होकर आपके श्री चरणों में बार बार बेनती करते हैं कि हे सतगुरु, आपका कार्य हमारे बस की बात नहीं है, ये आपका कार्य है, आप ही उसको कराने वाले हैं। आपकी शक्ति मिले, आपकी ज्योति मिले,
आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो और हमारे हृदय ऐसी अवस्था में पहुंच सकें कि हम आपके देव अमृत को लाभ कर सकें, तो हमारा ये साधन सफल हो सकता है। ये हमारी तुच्छ कामना ये सफल हो और हम इस साधन को करके अपना हित साधन कर सकें। तो ये परम पूजनीय भगवान देव आत्मा का स्वयं बनाया हुआ परम लक्ष्य मेरा पूर्ण होवे, जीवन व्रत मेरा पूर्ण होवे। वो हम अब वो तो गुरु माने मेरा का, हम गुरु का शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका परम लक्ष्य मम पूर्ण होवे। मम का तो मेरा, वो हम मेरा नहीं गा सकते, हम कहते हैं जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे। तो वो गाएंगे और उसके बाद मैं कुछ अर्ज करूँगा। इस भजन के साथ योग करने की कृपा करें। ये भजन बताता है कि पूजनीय भगवान की इस दुनिया में स्वर्ग लाने का जो विषय है आज, कि मैं इस पृथ्वी पे स्वर्ग चाहता हूँ, उसके संबंध में उनकी व्याकुलता क्या थी, उनकी योजनाएं क्या थी और वो जीवन व्रत कितना महान था कि आज तक किसी मनुष्य ने ऐसा जीवन व्रत ग्रहण करने की हिम्मत ही नहीं की। महान आत्माओं ने सोचा है, बहुत आगे बड़े भी हैं, लेकिन वो जो तस्वीर थी, वो जो रोशनी थी वो नहीं थी, वो जो बल था वो नहीं था, वो विश्वास नहीं था। इसलिए भजन गाया जाएगा, आप उनके साथ कृपा करके योग करें। परम लक्ष्य गुरु पूरन होवे, जीवन व्रत गुरु पूरन होवे। परम लक्ष्य गुरु पूरन होवे, जीवन व्रत गुरु पूरन होवे। नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे। नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। देवराज इस जग में आवे, राज सत्य का जग में आवे। देवराज इस जग में आवे, राज सत्य का जग में आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वो सब आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वह सब आवे। जो कुछ शुभ हो वो सब आवे, जो कुछ अशुभ नष्ट सब होवे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे। नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। इस समय की जो सभा है उसका विषय है कि मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग चाहता हूँ। ये दरअसल पूजनीय भगवान की वाणी का थोड़ा सा हिस्सा है, ये पूरी वाणी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पिशाचत के नाश और देवत के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ। हर महान आत्मा ने कुछ सपने लिए हैं, कुछ दृश्य देखे हैं, पूजनीय भगवान भी एक दृश्य देख रहे हैं। पिशाचत के नाश और देवत के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ
कि जिसमें मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए आकर्षणीय, हितकर, वफादार और भरोसे के योग प्रमाणित हों। ऐसे दिन का लाना और ऐसे आत्माओं का पैदा करना और ऐसे आत्माओं के खमीर के द्वारा इस देश को उभारना और उसकी बेबहा बरकतों को दुनिया के और विभागों में पहुँचाना मैं अपने विशेष जीवन का विशेष लक्ष्य समझता हूँ। ये तो आज तक मुझे बता दें, बड़े विद्वान बैठे हैं, किसी और ने दुनिया में ये दृश्य देखा हो और ये लक्ष्य बनाया हो। मैं इस पृथ्वी में दीन व धर्म लड़ना चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो। ऐसी बात नहीं है, महान आत्माओं ने बुराइयाँ भी देखी हैं और मिथ्याएं भी देखी हैं और एक एक विषय में उनको दूर करने का संग्राम भी किया है, लेकिन टोटैलिटी में ये तो बात गुरु महाराज कर रहे हैं, सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो जिस दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग संबंधी उत्पन्न करता हो कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता हो, जो इस जगत में मनुष्य आत्माओं को सत मोक्ष देता हो और उच्च चरित्र के ऐसे दर्जे में ढालता हो कि जिससे मनुष्य ना केवल किसी अन्य मनुष्य के लिए किंतु प्रत्येक ऐसे जीवनधारी के लिए कि जिससे उसका शुभ संबंध हो, पूर्णता हितकर संबंधी प्रमाणित हो। यदि इस प्रकार के उच्च जीवनधारी आत्मा विकसित हों और उनके उच्च जीवन के द्वारा इस प्रकार का खमीर उत्पन्न हो, तो उससे जहाँ मेरा मिशन पूरा होगा वहाँ मेरा ये मिशन दुनिया में अपनी विशेषता भी प्रमाणित करेगा। उनका एक मिशन है जिसके लिए उन्होंने ये देववाणी का प्रकाश किया है। ये पूज्य भगवान की तब उम्र छोटी थी, को बहुत बड़ी नहीं थी, जब बाप ने ये फरमाया कि ये मेरा मिशन पूरा कैसे होगा, इसको मैं पूरा कैसे करूँगा। और आगे भी सुनिए, ये पूज्य भगवान तब 34 साल की उम्र थी, जीवन व्रत ग्रहण कर चुके थे, कि मैंने सारी दुनिया के साथ जंग शुरू किया है, सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला दूसरी तरफ, मेरा जंग किसी दुनियावी लालच की बिना पर किसी जन या किसी की जमीन या किसी का मुल्क अथवा किसी और के अधिकार मारने या उन पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा जंग चारों तरफ फैले हुए मुख्तलिफ किस्म के झूठ और बुराई की बादशाहत को नष्ट करके इस दुनिया में सच्चाई और भलाई का राज लाने के लिए केवल धर्म मूलक जंग है। ये तो हमारे जीवनों में भरा हुआ है, ये जिसको गुरु महाराज फतेह करना चाहते हैं और हम उस पर हाथ नहीं देना चाहते किसी को। मनुष्य सबसे ज्यादा अगर डरता है तो अपने नी जीवन से घबराता है कि कोई ना उसको बता सके, ना वो उसको देख सके और ना उससे मोक्ष मिल सके। ये विषय ही ऐसा है कि मनुष्य चाहता नहीं है, बेशक मैं अकेला हूं, क्या 34 साल की गुरु महाराज की उम्र थी, सारी दुनिया से कहते मेरा जंग है, क्या विश्वास क्या थे, कन्विक्शन क्या थी गुरु महाराज के कि बेशक मैं अकेला हूं, मेरे मुकाबले में विरोधी दल बहुत तादाद में मौजूद है, मगर याद रखो कि मैं तुमसे ही आदमी लूंगा। ये कमाल की बात है, ये जंग कहते जो मैं लड़ रहा हूं उससे आदमी मैंने तुमसे लेने हैं, मैंने तुमसे ही आदमी लूंगा, तुमसे ही जंग के लिए सब जरूरी सामान और मसाला लूंगा और तुम्हारे मिथ्या विश्वासों और पापों पर गोलाबारी करूंगा और आखिरकार फतेह मेरी होगी। कहते क्या अटल विश्व, दुनिया में आज तक ये वाणी ना किसी ने बोली है ना किसी की हिम्मत है कि आप बोल दे। बड़े बड़े जो इनकलाब हुए हैं और उनका शुरू करने वालों का जीवन में बड़े त्याग थे, बड़ा उन्होंने किया,
लेकिन अखीर पे वो इंसानी जीवन की अपनी ही दुर्बलताओं का शिकार होकर खत्म हो गया। किसी कोने में निगाह मारे, मनुष्य की अपनी कमजोरियों का शिकार हो गया। इसलिए पूज्य भगवान ने दो बातें मैं अर्ज करूंगा इस सभा में, इसके दो विषय हैं कि गुरु महाराज की योजना फिर क्या थी, कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जाकर ये देवराज लाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं हमारे जीवनों में, क्योंकि पूज्य भगवान के जीवन में ये चीज़ें नहीं थी, वो देखते थे। और मैं पहले पूज्य भगवान के रूप के मतलब कुछ अर्ज करना चाहूँगा, वैसे मेरी समर्थ बड़ी थोड़ी है, अनुरागी चाहिए उसके लिए, कि वो कौन सा उनका जीवन कैसा था जिससे वो इस मैदान में उतरे। 20 दिसंबर 1850 को श्री अकबरपुर के नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह था, वो ऐसे नहीं कि जब वो पैदा हुआ तो आसमान पे बड़े बाजे बजने लग गए, कोई और इस तरह की करमा थी, कुछ नहीं, जैसे आम बच्चा पैदा होता वैसे वो हुए। लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं जब बच्चा ही था तो मेरे ऊपर एक साया था। साया कहते हैं ना, साया हो जाए तो वो फिर उसको खींचता है, लिए जाता है। वो कहते हैं मेरे ऊपर वो साया था और वो मुझे जिधर ले जाता मैं उधर ही चलता था, और मैं दुनिया से, अपने परिवार से और दुनिया से भिन्न होता चला गया। वो साया क्या है, किसी भूत का, किसी और का नहीं था। वो कहते हैं मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हुई, बहुत उसका तुम्हें बाद में बोध हुआ, कि जिसको उन्होंने कहा मेरे अंदर हित का अनुराग था, हित अनुराग पैदा हुआ मेरे अंदर छोटी अवस्था में, कि जो चीज हितकर है वो करने के लिए और जो चीज हितकर नहीं है वो ना करने के लिए मैं अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करता था, डिसिप्लिन्ड अनुभव करता था। इसलिए घटनाएं छोटी हैं लेकिन वो बताती है कि ये बालक किधर को जाने वाला है। वो कहते हैं मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अपने नगर के स्कूल है उनके, तो वहाँ मैंने किताब में पढ़ा कि अगर लड़कों को तालीम देनी हितकर है तो लड़कियों को तालीम देनी अहितकर क्यों है। कहते हैं मैं करंट की तरह लगाइए, और किया उन्होंने, किया उस बालक ने क्या किया, कहते मैं किताब लाया और मेरी एक भावजा और भतीजी थी, मैं उनको घर में पढ़ाने लग गया। अब वो परिवार तो बहुत मशहूर ब्राह्मणों का था, तो वो उनके संस्कार थे, उनके रवायत थे, रीतियाँ थीं, हर परिवार की होती हैं, ये 1860-65 की बातें हैं सारी। तो पूज्य भगवान के श्रद्धे पिताजी को पता चला, अपने श्रद्धे पिताजी के लिए बहुत गहरी सम्मान और श्रद्धा रखते थे। कहते मैं चरण अमृत लेकर सोता था पिताजी का, किसी ने नहीं कहा था। कहते मुझे बहुत प्यारे लगते थे पिता, बहुत महान लगते थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा ये क्या करने लगे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा पिताजी ये इनको पढ़ा रहा हूँ किताब, मैंने ये पढ़ी है। कहते हमारे परिवार में स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता, ठीक नहीं समझती हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है। तो वो किताब लेकर आ गया बच्चा, कह लगे पिता ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लड़कों को तालीम देनी हितकर है तो लड़कियों को तालीम देनी अहितकर क्यों है, हितकर नहीं है, वो कैसे अहितकर बन सकती है। पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ानी, तो चुप कर गए। कहते लेकिन वो मेरा भाव इतना ज़ोरदार था कि वो किताबें मैंने छुपा दी, और जब मेरे शहर के पिताजी बाहर जाते खेतों में और उधर अपना इंतजाम करने, तो मैं कहते उस समय चोरी चोरी अपनी भतीजी और भावजा को पढ़ाने लग गया। फिर मैं भिन्न होता चला गया, बहुत घटनाएं ऐसी, और ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी जीवन की गठन लिखी जो मैं बात बताना चाहता हूं। वो दुनिया में आज तक किसी ने अपनी जीवनी नहीं लिखी जिसमें वो अपनी जीवनी लिखें, अपनी गठन लिखें, कि मेरी गठन क्या थी जिससे मैं भिन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि शुभ अनुराग, हित अनुराग मेरे अंदर बचपन से था, 16 साल तक उसके और अंग बड़े फूटे, और फिर 20 साल तक जाते जाते
मेरे आत्मा की गठन कंप्लीट हो गई और मैं सारी दुनिया से भिन्न हो गया। ओके, किस बात के लिए कहते हैं? कहते हैं मेरे अंदर सत भाषण अनुराग पैदा हो गया। अनुराग की बात वो वारिस शाह ने कहा ना रांझे के मुतालिक कि इश्क बोलदा नड्डे दे थाओं थाई, राग निकलता जिवें है तार विचों। तार दे एक जगह नहीं राग निकलता, सारी जगह निकलता है। तो जो अनुराग होता है वो एक नहीं होता एक जगह का, वो सारे जीवन का प्रदर्शन होता है। तो कहते सत का अनुराग, सत भाषण राग पैदा हुआ कि मैं जो बोलना है वो सत सत ही बोलना है। लो कर लो प्रतिज्ञा हमारे को करके तो देखे। दूसरा कहते मेरे अंदर एक और शक्ति विचित्र पैदा हुई, सतगत स्पष्ट कथन अनुराग। जो बात कहनी है वो स्पष्ट स्पष्ट सीधे शब्दों में कहनी है, दो अर्थ उसके नहीं लेने। पॉलिटिकल दुनिया में यह है कि बात कुछ होती है अर्थ कुछ होते हैं। वो जब टीवी वाले दिखाते हैं कि आपने ये कहा था, कहते नहीं आपने उसके गलत अर्थ निकाल दिया, उसका अर्थ ये है। पूज्य भगवान के मुतल्लिक संबंध में एक ही बात अर्थ रखती थी जो वो कहते थे। फिर उसके सत ज्ञान उपार्जन अनुराग, सत ज्ञान ही लाभ करना है। सत ज्ञान ग्रहण अनुराग, जो ग्रहण करना है वो भी सत ही करना है। ये उनके गुरु उन्होंने जो धारण किए, उन्होंने जो और बातें कही उनमें एक बात कही थी पूज्य भगवान को कि झूठ कभी नहीं बोलना, बेशक उससे दुनियावी तौर पे कितनी ही हानि हो और तुम्हें कितना ही दुख मिले। कहते मेरे गुरु की बात मुझे इतनी आकर्षणीय लगी कि मेरे अंदर जो भाव था वो फुट फुट पड़ा। कहते पहले वहां से हुआ, रुड़की से, रुड़की कॉलेज में जब गए। सत प्रतिज्ञा पालन अनुराग, कहते जो प्रतिज्ञा मैंने, सत प्रतिज्ञा मैंने करनी है और फिर मैं उससे इधर उधर नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा है कि मेरे नजदीक 3 बजे का मतलब 3 बजे ही है, 3:10 मेरे नजदीक 3 बजे नहीं है। कहते मैं दुनिया की बात ही नहीं समझ सका कि 3:30 को भी 3 समझते हैं। कहते 3 का मतलब 3 और 2 का मतलब 2। और उससे आगे सत प्रतिज्ञा पालन राग, जो प्रतिज्ञा की वो सत सत उस पे वो ही पूरी करनी है। इसलिए जब पूज्य भगवान ने आखिरी उम्र थे, बहुत जिस्म बूढ़ा था, तो देवशास्त्र जो उनकी महान कृति है उसको लिख रहे थे वो, तो उनकी सेहत खराब हो गई, नर्वस सिस्टम उनका ब्रेकडाउन हो जाता था, बहुत सेंसिटिव थे। तो उनको सेक्रेटरी ने कहा, कर्मचारियों ने अर्ज की, महाराज आप इसको पोस्टपोन करते हैं, आपकी सेहत है नहीं। तो उन्होंने कहा हमने अपने साथ वादा किया है कि हम इस मुसब के ऊपर अपने सेवकों को, श्रद्धावानों को ये ग्रंथ देंगे, उनका भला होता है इसे। तो अब या तो हमारी लाश निकलेगी या हमारी ये किताब निकलेगी। कहते हमने किसी के, हमने अपने साथ भी हमेशा सच्चे रहे हैं। और उससे आगे सत प्रचार अनुराग, प्रचार सत समर्थन अनुराग, जो प्रचार करना है सतमूलक ही करना है। इसलिए जब पूज्य भगवान, ये पंजाबी सूबे का मैं बताया था कालियों को, मैंने कहा ये अगर कभी पंजाबी का इतिहास लिखा जाएगा तो फिर देवात्मा का नाम सबसे ऊपर होगा। ये 1882 की घटना है जो मैं बताने लगा। 4 अप्रैल 1882 पूज्य भगवान की 34 साल की उम्र थी जब उन्होंने ये घटना उनके जीवन में घटी। तो वो लाहौर के शिक्षा हाल में उन्होंने लेक्चर देना था पूज्य भगवान ने, वहाँ उन्होंने एक बात कही जिससे तहलका मच गया। उन्होंने कहा जो पंजाब के लोग हैं वो या मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, सिखों का तो उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, वो बहुत डिप्रेस थे, इनकी जो माँ बोली है वो पंजाबी है और इनको जो शिक्षा दी जाए वो पंजाबी में ही दी जाए। और मैं सारी ऑडियंस से कहता हूँ, ये पंजाब की बैठी है, कि वो अपने गाँव में शहरों में प्रस्ताव पास करके वायसराय को भेजें कि हमारे पंजाब की जबान पंजाबी लगाई जाए और हमारे जो देश की जबान है नेशनल वो हिंदी है। तो वो उन दिनों सर्विस करते थे इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में,
तो डीसी की तरफ से उन्हें मैसेज मिला, मुसलमानों का डेलीगेशन मिला डीसी को कि ये पंडित जी जो बातें करते हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, आप इनको, डीसी ने कहा वो दंगे होने का खदशा है देश पंजाब भर में, आप ऐसी बातें ना करें, आपकी तरक्की में ये बहुत बड़ा रुकावट हो सकती है। तो पूजनीय भगवान ने उसे इस्तीफा दे दिया। ये नौ दिनों अकाली दल था, नौ दिनों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी और गुरु महाराज अकेले कहते थे पंजाबियों की जबान पंजाबी है और इनके बच्चों को मां बोली में शिक्षा देनी चाहिए, उच्च से शिक्षा और साइंस की देनी चाहिए। वो बढ़ते चले गए और आगे उन्होंने फरमाया कि मेरे अंदर फिर एक और अनुराग पैदा हुआ धर्म के एक क्षेत्र में, सत की बनाप के ऊपर खोज करना कि मनुष्य के धर्म है क्या, मनुष्य का आत्मा है क्या, ये कहां से आता है, ये कहां जाता है। कहते मैं इसके लिए किसी कल्पना मूलक बात को नहीं मानता था मेरा दिल, कहा मेरे अंदर वैज्ञानिक विधि के लिए अनुराग पैदा हो गया, ये नई बात है। अरे दुनिया के इतिहास में किसी ने लिखा है कि मेरे अंदर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर ये पैदा हो गया मेरे अंदर अनुराग? तो पूज्य भगवान ने कहा मेरे अंदर ये अनुराग पैदा हो गया, मैं किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार ठीक ना परखी जा सके, जो परखी ना जा सके मैं कहते हैं उसको कहानी समझ के छोड़ देता था, लेकिन कहते इस रास्ते का राही मैं सिर्फ अकेला था, ये रास्ते पे कहते जे मैं चला वो मैं अकेला था। इसलिए उन बड़ी घटनाएं जीवन भरा पड़ा है। जब उन्होंने एक दफ़ा ठहरे हुए थे बैजनाथ में, हमारे जो महाकवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके शरदे पिताजी रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ, पूज्य भगवान की श्रद्धा भी अपनी थी, वो ठाकुर देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको ऋषि राज ऋषि जी बंगाल में कहते थे, ब्रह्म समाज के बहुत महान लीडर थे। पूज्य भगवान कांग्रेस का जो अधिवेशन था दूसरा, उसमें शामिल होने के लिए गए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजाब की तरफ से, उनके यहाँ ठहरे। तो उनके जीवन से पूज्य भगवान इतना उनको महान समझते थे, वो भाई अमर सिंह ने लिखा कि मैं उनके साथ था, जो ही अंदर बहुत बड़े वो जमींदार थे, बहुत अमीर थे, स्टेट थी उनकी अपनी, तो उनको अंदर रुका भेजा कि पूज्य भगवान का नाम लिख के कि वो आए हैं, तो वो बड़ी जल्दी अंदर से निकल कर आए। पूज्य भगवान बाहर देखते ही क्या हुआ, कैसे मत्था टेका, पूज्य भगवान उनके पाँव के ऊपर साष्टांग लेट के प्रणाम किया, आंखों से आंसू बह रहे थे दोनों के, ये क्या श्रद्धा थी पूज्य भगवान की महान आत्माओं के लिए। लोगों ने कहा ये तो बहुत अहंकारी आदमी है, ये तो अपनी बात करता है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है। पूज्य भगवान ने कहा हमारे तो सपने भी लैदा हैं। कहते हमें सपना आया कि ऋषि जी ये देवेंद्रनाथ जी ठाकुर टैगोर कि वो मिलने आ रहे हैं, और हम एकदम उठे उनको प्रणाम करने के लिए, लेकिन हमें लगा कि हाथ साफ नहीं है, तो हम हाथ साफ करने लगे, हमारा सपना खुल गया। सपने भी वैसे थे, आदर्श भी अपने थे, इसलिए जब इस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा तो फिर सारी दुनिया मुखालफत हो गई। तो उन्होंने जब वहां एक किताब देखी, उस उन्होंने मंगाई थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ईश्वर जो है ये तर्क और खोज के द्वारा, तहकीकात के द्वारा इसकी परख नहीं हो सकती, ये आस्था का सवाल है। तो पूज्य भगवान शिष्टाचार के नाते उनसे किताब नहीं ली, उन्होंने देख लिया कि ये पैरा लिखा हुआ है ऊपर उसकी लाइनें, लाहौर आके वो किताब पढ़ी, कहते मुझे शक पैदा हो गया, ईश्वर तो बनाया हुआ है, ये तो आदमी का बिलीफ है। फिर उन्होंने डार्विन की पढ़ी, ओरिजिनल स्पीसीज पढ़ी, कहते हैं मेरा नाचने को दिल किया, लेकिन बहुत देर बाद नाचे, एक साल कहते लग गया मुझे रोते हुए ईश्वर का विश्वास छोड़ते हुए, क्योंकि वो लाहौर में जब इश्क लाही के जलसे करते थे तो 30-30, 40-40 हज़ार बंदा सारी रात उनके नाचता था इशारों के ऊपर, वो भी नाचते थे, गीत गाते थे ईश्वर के, उनका ईश्वर क्या था,
उनका ईश्वर भी उन्होंने अपने रूप में बनाया था। ये कहते मेरा ईश्वर जो है वो शुभ अनुरागी है, मेरा ईश्वर जो है वो सत अनुरागी है। कहते मैं अपने रूप की ही उस मनोहर जो मेरे अंदर प्रेरणाएं पैदा होती थी मैं वो ईश्वर के साथ उसको कहता ईश्वर की तरफ से हो रही है। कहती है तो मुझे बाद में बहुत देर बाद पता लगा कि मनुष्य को उसके भाव शक्तियां चलाती हैं, वो मेरे भाव शक्तियां थी जो मुझे नचा रही थी। और फिर एक फैसला और किया, ये बहुत मुश्किल फैसला कर रहे थे लाहौर में, बहुत उनका सम्मान था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उनको कहा भाई मोंडे जी को कि भाई जी हमारी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं जो हमने ईश्वर के मुतल्लिक लिखी हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने 80 किताबें लिखी हैं, 12,000 उनकी लाइब्रेरी में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मांग है। कहते भाई साहब इन किताबों को आग लगा दो देवालय के सेन में रख के, हम सत के अनुरागी हैं। ये लोगों ने अगर अपनी बात गलत देखी है तो आग नहीं लगाई दुनिया में किसी इतिहासकार ने। और वहाँ पूजनी भगवान ने एक शब्द लिखे हैं कि जैसे ग्रंथ रचता को, जैसे किसी माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है और बहुत दर्दों के बाद वो बच्चा प्यारा होता है और उस वो प्यारा होता है पैदा होके, वैसे ही एक ग्रंथ रचता को अपने ग्रंथ भी बच्चों जैसे ही प्यारे होते हैं। हम अपने इन बच्चों की सत के लिए बलि दे रहे हैं जो तीन दिन तक सेहन में जलते रहे। कहते सत की जय हुई और झूठ जो है परास्त हो गया। ये किधर को जा रहे थे गुरु महाराज? तो फिर उन्होंने ये सामग्री थी जो मैं बता रहा था उनकी, ये स्वभाव था उनका। और जब लाल लाजपत राय ने उन्हें कहा, गोलियां चलने लगी, मुकदमे होने लगे और 9 मुकदमे हो गए अकेले फिरोजपुर में। और फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह की फांसी की सूली की जो तकलीफ थी वो चंद लम्हों की थी, मैं जो सूली चढ़ा सारी लाई में उसका हिसाब किसको दूं, कौन समझे, किसको बताऊं। कहते मेरे बगैर कौन समझ सकता है। इसलिए वो मुकदमे हो रहे थे तो पूज्य भगवान ने फिर जब उनको कहा क्या गया, शर्त क्या रखी थी कि दरिया सतलुज के इस पार उधर कर उधर से इधर को नहीं कर सकते, सतलज से इधर फिरोजपुर की तरफ नहीं आप अपना प्रचार कर सकते। उन्होंने कहा मेरा प्रचार सारी दुनिया के लिए है। और फिर एक फिक्रों का इस्तेमाल किया कि ये पृथ्वी मेरे पांव से निकलकर चकना चूर हो जाए, ये सूरज रोशनी देनी छोड़ दे, लेकिन मैं सत का अनुरागी होने के कारण, शुभ अनुरागी होने के कारण, सत और शुभ के पथ से एक तिल भर इधर उधर नहीं हो सकता। लोग तो कंप्रोमाइज करते हैं, बड़े बड़े कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और जब लाल लाजपत राय ने जो उनके स्टूडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो प्रधान रहे और उन्हें शेरे पंजाब का नाम दिया गया, वो उनके स्टूडेंट थे। वो सोलन में आए हुए थे तो गुरु महाराज उधर भगवान देवात्मा टीले पर ठहरे हुए थे जो आश्रम है। उन्होंने कोई देव समाज के कर्मचारियों को कहा कि मैं महाराज का उनका फेस पे बात नहीं कह सकता, उनको फेस नहीं मैं कर सकता, वो बहुत महान आत्मा है, बहुत अद्वितीय इंसान है, मैंने ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा आज तक, लेकिन उनकी जो मुखालफत हो रही है मैं एक राय देता हूँ, मेरी राय पहुँचा देना। राय कह दी कि आप महाराज को ये कहना कि आप जिसको नेचर कहते हैं, लोगों को ये कहें कि जिसको तुम ईश्वर कहते हो मैं उसी को नेचर कहता हूँ, उनकी मुखालफत कम हो जाएगी। पॉलिटिकल लोग थे तो पूज्य भगवान ने कहा उनको संदेशा दे जाओ हम अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, जो बात जैसी है वैसी ही कहेंगे और उसकी जो कीमत होगी फिर अदा करेंगे। ये था गुरु महाराज के। तो फिर पूज्य भगवान ने यह दुनिया का जब स्वर्ग लाने का नक्शा उनका क्या है, कोई प्लानिंग होती है ना गुरु महाराज की क्या थी, और ये गुरु महाराज ही ये कर सकते थे। वो शुरू कहाँ से किया, उन्होंने कहा मैं दुनिया में स्वर्ग लाना चाहता हूँ, स्वर्ग के काहे में लाना चाहता हूँ, इंसानों में, इंसानों के मैं जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं इनके जीवन बदल दूंगा। और ये धीरे धीरे विकासवादी थे, जानते थे हम तो पशुओं से आए हैं, आज आ गए ना यहाँ कपड़े डालते हैं, बहुत सुंदर कपड़े डालते हैं। कोई ज़माना था हम झोंपड़ियों में रहते थे, गारों में रहते थे, दरख्तों पर रहते थे, नंगे रहते थे, कोई समाज भी नहीं थी, छोटे छोटे ग्रुपों में कबीलों में रहते थे,
अब कहाँ पहुँच गया? विकास है। पूजनीय भगवान कहते हैं हम विकास दृष्टि हैं, हमारी विकास दृष्टि है और हम उसमें देख रहे हैं कि एक दिन आएगा जब ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। तो कहते हम बनाएंगे इसको। उसमें पहली बात क्या कही कि शुरू कहाँ से करेंगे? पूजनीय भगवान के एक सेवक थे गंडा सिंह जी, मेरे उनके दर्शन किए हुए हैं, तो बताया करते थे कि मैं गुरु महाराज जी को मिलने गया तो पूजनीय भगवान ने पूछा कि सुबह सुबह उठ के तुम अपनी माता जी को प्रणाम तो करते होगे? उन्होंने कहा महाराज हम जाट गांव के किसान, हम तो सवेरे उठ के हमारी लड़ाई ना हो जाए महाराज, यही बड़ी गनीमत है। तो पूजनीय भगवान ने शिष्टाचार की किताब लिख दी कि ये मेरे सेव को शिष्टाचार पढ़ो, शिष्टाचार पढ़ो। तो पहली उन्होंने लिखा कि मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मैं शिष्टाचार सिखाऊंगा लोगों को। और शिष्टाचार होता क्या है? शिष्टाचार उसको कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। पूजनीय भगवान ने फरमाया जब तुम किसी को चीज लेते हो, कोई तुम्हारे लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ देता है, कोई गिरा हुआ पिंसल तुम्हें पकड़ा देता है, कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देता है, उस लिए उसको धन्यवाद करना चाहिए। पूजनीय भगवान ने क्यों कहा? कहते नहीं तो तुम्हारी आत्मा का पतन होता है। क्योंकि आधार तो पूजनीय भगवान का ये था कि आत्मा का पतन होता है झूठ और बुराई से। झूठ और बुराई से होता क्या है? पूजनीय भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा का पतन होता है जो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इसको देख नहीं सकता। लिंकन बच्चा था जो बाद में राष्ट्रपति बने, बड़े महान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो एक उनके एक साथी कहने लगे चलो तुम्हें यहाँ इंसानों की मंडी लग रही है वो दिखलाते हैं। तो वो चले गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ माँ से लड़की को बिछड़ा जा रहा है, कोई लिए जा रहा है, माँ को कोई लिए जा रहा है, बाप को कोई ले रहा है, लड़के को कोई खरीद रहा है, बोलियाँ लग रही हैं और ऐसे उनका मांस देख देख के देख रहे कैसा मजबूत है। तो एक एक शोरगुल चीखो पुकार का एक मंजर था। तो लिंकन ने जमीन के ऊपर पांव मार के कहा अगर मेरे पास कभी सत्ता आ गई तो मैं ये खत्म कर दूंगा ये जुल्म जो हो रहा है। पूजनीय भगवान ने तो सारी दुनिया के झूठ और बुराई को देखा। वो जंग लड़ी, उन्होंने सिविल वार हुई उसके लिए अमेरिका में, अब भी कौन सा है, अब भी बतेरा कुछ है। तो ये एक एक बात जो है वो जिसको नजर आती है वही फिर जमीन के ऊपर पांव मार के कहता कि मैं इसको हटा दूंगा। पूजनीय भगवान ने कहा हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन शुरू कहां से करेंगे? शिष्टाचार से करेंगे। कहते हैं जो शिष्टाचारी नहीं है वो धर्मवान ही नहीं है। धर्म के साथ इसको जोड़ा उन्होंने कहा, क्योंकि पूजनीय भगवान ने कहा आत्मा जो है उसके नियम है पतन के और विकास के। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। जो पंजाबी जाटों को समझ आ गई मैं कहता हूं उससे बड़ी योग्यता ही क्या थी पूजनीय भगवान की। वो कल भी मैं किसी को कह रहा था कि साहिर का है कि जो फन नदार तक ना पहुंचा वो मयार तक ना पहुंचा। कि जो फन जो कला एक साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, वो तो अभी अपने बुलंदी को नहीं पहुंची। वो कला क्या है जो सबको समझ ना आ जाए? पूजनीय भगवान की बातें क्या है जो साधारण सब आदमी ना समझ जाए? सबको समझा दी। इसलिए देव समाज के परिवारों में जी का बड़ा रिवाज है। हमारे दो साथी थे वो लड़ पड़े, उनका झगड़ा हो गया लेने देने का। उन्होंने एक आदमी बड़े अमीर थे यूपी में, उनको अपना सारस बना लिया। और लड़े कौन थे? एक झगड़ा आपस में था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इकबाल सिंह जी का और श्रीमान रूपचंद जी का। तो वो चले गए उनके पास, उनको अपना मामला बताया। तो वो कहें, डॉक्टर साहब कहें श्रीमान जी ने ये श्रीमान जी की गलती है। वो कहें नहीं नहीं जी ये डॉक्टर जी की ये गलती है। वो कहने लगे जी मैं आपका फैसला क्या कराऊँ? कहते क्यों? कहते मेरे बड़े फैसले हुए हैं, यहाँ लोग एक दूसरे के बुरा हाल करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, सामने गाली गलौज देते हैं। कहते वो कहते जी ये श्रीमान जी ने ये बात कही है, वो कहता ये डॉक्टर जी ने ये बात कही है। वो कहते जी मैं तो आपका कोई नहीं कर सकता, आप कर लो घर बैठ के फैसला। शिष्टाचार ये नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम मोटे मोटे पापों से तुम्हें मोक्ष दे देंगे। मोटी बुराई है क्या हमारे जीवन में? अब यहाँ बैठे करके प्रतिज्ञा चल जाए सारे, है तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली प्रतिज्ञा क्या है देव समाज की? कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मांस से बनी हुई किसी चीज़ को ना दूंगा ना दलाऊंगा,
मैं शराब नहीं पीऊंगा, ना किसी को दूंगा, ना किसी को दिलाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ना इसमें किसी की मदद करूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, लूंगा नहीं। इसमें देखिए क्या प्रतिज्ञा गुरु माने कराई, और उससे आगे कराए, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं अमानत में ख्यानत नहीं करूंगा, मैं एक पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये तब पूजनी भगवान ने प्रतिज्ञा कराई जब पॉलीगेमी थी इंडिया में, जब बहु विवाह थे इंडिया में। तो हमारे पंजाब जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 50 में शायद ये आया अमेंडमेंट हुई कि जब तक एक पत्नी है तलाक नहीं दे सकते। वो कर दिया उन्होंने कि ज़्यादा नहीं, एक वक्त में ज़्यादा पत्नियाँ नहीं रख सकते। ये 3 तलाक का चला ना चक्कर, मैं सुन रहा था, ऐसी वाहियात बातें कर रहे थे वो। तो पूज्य भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए वफादारी, शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए पवित्र जीवन का बसर करना, शादी का मतलब यह है कि एक दूसरे के लिए कृतज्ञ अनुभव करना, शादी का मतलब है कि एक दूसरे के लिए श्रद्धावान बनना, शादी का मतलब है कि दोनों का किसी उच्च मिशन में लग जाना। अरे मैं कहता हूँ उच्च मिशन के बगैर कोई जीवन है किसी का? बाकी तो ये तो फिर हम कीड़े मकौड़े होकर मर जाते हैं। किसी लक्ष्य के लिए जीना चाहिए, नहीं करूँगा, और बगैर उचित अधिकार के किसी का कत्ल नहीं करूँगा। यहाँ कर दिए खड़े, कहते यहाँ भी नहीं है ये तो कहते ये जो देव समाज के सेवक थे, पूज्य भगवान ने फरमाया था कि तुमने ये प्रतिज्ञा की हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं कि इन प्रतिज्ञाओं को करके तुम धर्मवान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये तो हमने तुम्हारे जीवन से जो जहरीली बूटियाँ थीं वो हमारे तुम्हारी उखेड़ी हैं, जो बीज थे तुम्हारे अंदर जहरीले वो हमने दूर किए हैं कोई। तो वो और आगे फिर पूज्य भगवान ने क्या फरमाया कि हम तुम्हारे अंदर अब हम क्या है, हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्तियाँ ऐसी ख़राब हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, भाव शक्तियाँ जिनको देव समाज में कहते हैं, कि हम अपने परिवार के साथ हमें थोड़ा सा या अपना नज़र आता है या हमें परिवार नज़र आता है, हमें कोई नज़र ही नहीं आता दूसरा। अगर नज़र आए तो दिवाली पे पटाखे ना चले। अरे क्या कर रहे हैं ये पटाखे, ये चुरलियाँ, ये क्या क्या बला है, ये पागल। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब बात कही, वो दूसरी जंग हुई थी उसमें करोड़ों लोग कत्ल हुए थे, अकेले रशिया में 2 करोड़ लोग मरे थे, उसके बाद संधि होने लगी अमन की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया किसी और ग्रह के पागल हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। कहते मैं एक दृश्य देख रहा हूँ कि जैसे दुनिया एक किश्ती में बैठी हो, किश्ती में सुराख हो गए हों और वो एक दूसरे की जेबें काट रहे हों। कहते पागलों पागल है मनुष्य। पूज्य भगवान ने फरमाया एक बात की जो हमें पसंद नहीं कभी आती, उनका सारे मनुष्य पागल हैं, सिर्फ दर्जों का फर्क है, सब पागल हैं, दर्जों का फर्क है, बड़ा विस्तार पे लेके हैं उनके ये। तो ये अगर संबंधों का बोध कराएंगे कि हम इसलिए हैं कि दूसरे भी हैं, मानव जाति है तो हम हैं। मानव जाति को मैं कहता हूं हमारी जननी है, मानव जाति को उसके प्रति उदासीन रहना वो सन्यासियों का काम है। सन्यासी कौन होता है? जो समाज से उदासीन हो जाए, जो सिर्फ अपने लिए जिए, अपने बच्चों पत्नी को भी वो छोड़ के चले जाए, उसको तो बड़ा सन्यासी है। गुरु महाराज के नजदीक वो बहुत स्वार्थी है, स्वार्थी है, और उसका पतन अनिवार्य है। गुरु महाराज कहते हैं आत्मा जो तुम्हारी या शरीर के नियम है वैसे तुम्हारी आत्मा के भी नियम हैं। जैसे हवा साफ शरीर का नियम है, संतुलित भोजन शरीर का नियम है, साफ पानी शरीर का नियम है, साफ सूरज की रोशनी सूर्य नियम है, और सुस्ती जो है वो तोड़ती है इसको। तो ये नियम हैं सेहत के, ऐसे पूज्य भगवान ने बड़े सरल नियम बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लें पूरे करके देख लें। उन्होंने क्या बताया कि सात विश्वास और सात्विक भाव ये आत्मा के विकास के नियम हैं। सत्विश्वास और सात्विक भाव
आत्मा के विकास के नियम हैं। मिथ्या विश्वास और नीच अनुराग और नीच घृणाएं ये मनुष्य के विनाश के नियम हैं। अब पूजनीय भगवान ये क्या रूप क्या था पूजनीय भगवान, ये बड़े लोगों ने ताप किए। पूजनीय भगवान ने कहा हमने तो कोई ताप ताप नहीं किया, हम किसी जंगल में नहीं गए, हमने किसी नहर में नहीं गए, दरिया में नहीं गए, हमने आग नहीं तापी, हमने कोई साधन ही नहीं कहते किया अपने निज जीवन से निकलने के लिए, निज जीवन था ही नहीं। उन्होंने ये लिखा मुझे निज जीवन का जाति अनुभव ही नहीं है, कमाल की बात लिखी, मुझे किसी नीच गति का अनुभव ही नहीं है। ये जो वासना शक्तियां हैं, ये जो मनुष्य की उत्तेजना शक्ति हैं, जिनके लिए सारी पुलिस जोर लगा रही है, क्या आप कितने स्त्री को निकल के तो देखे अकेली बार। पूज्य भगवान ने फरमाया ये बोध बड़े कीमती हैं, इसके होने चाहिए, लेकिन अपने मुतल्लिक उन्होंने लिखा कि ये जो वासना और उत्तेजना मेरे अंदर शक्तियाँ थीं वो सदा मेरे सत और शुभ के अनुरागों के अधीन रही हैं। और एक दफ़ा फिरोजपुर कहा कि ये जो वासना और उत्तेजना शक्ति हैं ये तो एक पालतू कुत्ते की नहीं आई, सदा मेरे पाँव में खेलती रही हैं। कहते हमने कभी साधन ही नहीं किया, कहते हमारा आत्मा पवित्रता से भी ऊपर है, निर्दोष है वो। पवित्रता वो होती है जब हम नैतिक नियमों का पालन करते हैं और स्त्री पुरुष के संबंध में भरोसे के योग बनते हैं। निर्दोषता का वो होता है जहां चिंता भी नहीं चलती अपने आप, वो कहते हमारे हमें कोई अनुभव नहीं है ऐसा, इसलिए तो ये नक्शा बनाया कि यहां तुम्हें करें कि दूसरे तुम्हें संबंधों का बोध कराएंगे और उससे आगे जो संबंधों में वह ये संबंधों का जो चक्कर है ना, ये हमारे जो ऋषि मुनि हुई हैं, स्वामी रामतीर्थ जी का नाम आपने सुना है, विवेकानंद जी के जमाने में थे, बहुत महान थे दोनों, बड़े दार्शनिक थे। ये स्वामी रामतीर्थ जो थे रामगढ़ी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे मैथ के, वो छोड़ के वहाँ अपनी पत्नी और बच्चे को चले गए। ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि कहते, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, एक ही सत्य है दुनिया में, धर्म कहते एक ही सत्य है दुनिया में, वो ब्रह्म है, छोड़ के चले गए थे। फिर वो अमेरिका चले गए, उनके साथ प्रोफेसर पूर्ण सिंह जो थे वो भी सन्यासी बन गए। तो वो जब इसमें आए, ये जहाँ हम जाते हैं हरिद्वार में उनका आश्रम, उन्होंने था स्वागत के लिए बड़ी दुनिया थी, तो उनका जो बेटा और वो माँ थी उनकी पत्नी थी वो भी मिलने के लिए चली गई। तो पूर्ण सिंह ने कहा जाके कि स्वामी जी आपकी पत्नी और आपका बच्चा आपको मिलने आया है। उनका कौन कौन बच्चा कौन पत्नी, ये सब ब्रह्म की ब्रह्म है ये। उसने कहा अगर ब्रह्म है तो मैं भी चला। फिर स्वामी जी मेरा भी मत्था टेकया, मैं भी नहीं रहता। उनका अच्छा बुला लो। तो वो आए, उनकी पत्नी ने उनके पाँव के ऊपर सर रख के रोई, स्वामी जी बैठे रहे। उन्होंने बच्चे को पास बैठाया, उसको अंगूर खड़ाए, सिर पे हाथ फेरा और उनको भेज दिया। और फिर हुआ क्या, इतने संस्कार थे उनके अंदर, उन्होंने अगले दिन ही क्या किया, वो गिलती उतार दी, वो जो धोती थी पजामा कुर्ता डाल लिया। फिर वो नहाने गए, जिनको कहते हैं कि उन्हें गंगा मैया से बड़ा प्यार था और वो गंगा मैया में ही समा गए। वो दरअसल मैं जो एक पढ़ा उनके मतलब एक बड़े शेष का, उसने कहा हकीकत ये है कि उस दिन उन्हें इतना हर्ट हुए, वो इतना दुख हुआ उन्हें कि मैं संन्यास धर्म से फेल हो गया, वो टूट गया मेरा। इसलिए वो प्रोफेसर पूर्ण सिंह तो किनारे के ऊपर थे, कहते वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, देखते देखते ऐसी लहरों में पहुंच गए जहां पर डूब गए। और इन्होंने कहा गंगा समाधि ले ली, अरे कुछ नाम रख दो। तो ये संबंधों का, तो संबंधों में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है, सन्यासी बनना बहुत आसान है। अरे पत्नी के साथ पति रहे तो मैं तो कहता हूँ कई कॉलेजों स्कूलों में कई दफ़ा बिना शादी किए आ जाते हैं, सारे को मुतलक नहीं है, तो मैं कहता इनको ध्यान से रखा करो। शादी में पति और पत्नी के कोने घस जाते हैं, वो 20 बातें उसकी नहीं मानता, वो 20 उसकी नहीं मानती, वो ठीक हो जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। जो नहीं शादियाँ कराई होती वो एडजस्ट नहीं होते, उनको या तो उनका बहुत बड़ा महान लक्ष्य बन जाए वरना वो मुसीबत का कारण बन जाते हैं संबंधों में। तो कहते संबंध तो हैं तुम्हारे, इनको छोड़ कह सकते हो, गतियाँ तो अपने संबंधों में ही करनी है सारी की सारी, संबंधों को कैसे छोड़ जाओगे। हमारे शरद श्रीमद देव सिंह जी की फोटो है, दूसरी लगी ही,
ये बहुत महान आत्मा हो गए देव समाज के। उनके श्रद्धे पिताजी मोगे में मीटिंग हो रही थी माता पिता की, ऐसे स्टेज थी, स्टेज के ऊपर बड़े पंडित जी, इनकी इधर को फोटो है परली तरफ को, वो भी विराजमान थे और श्रीमान जी विराजमान थे। श्रीमान देखा कि वो जो नीचे संगत बैठी है उनके पिताजी भी उसमें बैठे हैं। श्रीमान जी बड़ी फुर्ती से गए और पिताजी को प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। श्रद्धे पंडित जी ने उन्हें कहा श्रीमान जी आ जाओ आप, वो कहते नहीं सही श्रीमान जी, तो बड़े पंडित जी भी उठ के वहाँ चले गए। अरे वो सियासी और तरह के थे कि पिता उसमें आए हुए हैं तो मैं कैसे स्टेज के ऊपर बैठ सकता हूँ, मैं भी वहाँ ही बैठूँगा। उसमें फिर आगे फरमाया कि जो तुम्हारे संबंध हैं इनमें जो तुमने गतियाँ की हैं उनका तुम्हें प्रशोध करना ही होगा, वरना तुम्हारी आत्मा नहीं बच सकती, तुम्हें रोशनी फिर नहीं मिल सकती। अब ये प्रशोध की शिक्षा मुश्किल बड़ी है। पूज्यगान कहते हैं अगर तुमने चोरी की है तो तुम जाके किसी मंदिर किसी और जगह के ऊपर माफ़ी मांग लो कि मुझे माफ़ कर देना। कहते माफ़ नहीं होती। कहते बीमारी माफ़ होती है कभी? बुखार माफ़ होता है कि जा तेरा बुखार माफ़ कर दिया, तेरा कैंसर माफ़ कर दिया? माफ़ नहीं होता, उसके नियम है सेहतमंद होने के। कहते वो जो तुमने नीच गति की है भाई के संबंध में, माँ के संबंध में, बाप के संबंध में और कोई भी है, अनेक संबंध हमारे, उनका प्रशोध करना होगा। और अगर तुमने किसी की चोरी की है तो फिर उसके पैसे दुख के साथ वापस करने हैं, सूद के साथ वापस करने हैं। अरे ये रोशनी के बगैर तो नहीं आदमी चल सकता। मैं जब शेषरमान केशवा गुरुसेव सिंह जी को, मेरी 21 साल की उम्र थी, गाड़ी में मिला चंद मिनटों के लिए, तो दो बातें मुझे नजर आई। एक मुझे ये नजर आया कि मैं रामगढ़ी कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ एक मुझे वेट लिफ्टिंग की और शौक था, सेहत का, मैं खेलों में हिस्सा लेता था। तो वहाँ का वेट लिफ्टिंग जो थे उसके दो पहिए थे, पाड़ जो होते हैं, तो वो मेरे साथी भी थे गांव के, वो कहने लगे इनको ले चलते हैं गांव में करेंगे। अब देखिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि मैं ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ, पूछा नहीं, चूँकि घमंड होता है बड़ा, अपनी कीमत बड़ी होती है। और वो चोरी उस हिसाब में नहीं थी कि किससे चोरी की हो, दिन में ही उठा के ले गए, लेकिन मुझे बाद में वो चोरी फील हुई वहाँ, ये चोरी है। तो मैंने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मैं यहाँ स्टूडेंट था, मैंने ये किया और मुझे उसका बड़ा अफसोस है और मैं ये पैसे भेज रहा हूँ, मैं जब कभी मिला तो मिल के भी आपसे इजहार करूँगा। मैं बहुत देर बाद उनके पास गया तो वो जब मैंने अंदर चिट भेजी तो वो एकदम मुझे आके बगलगीर हो गए, कहने लगे अकेला ही तू स्टूडेंट है जिसने ये माफ़ी मांग ली। कहते यहाँ तो हड़तालें होती हैं, दरवाजे टूटते हैं, शीशे टूटते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं कौन मांगने वाला, मैं भी उनका ही साथी हूँ, ये तो मुझे कहीं और रोशनी मिल गई। तो प्रशोध तो करो, प्रशोध के बगैर कैसे निकलेंगे, वो नहीं होता। और उससे भी आगे पूज्य भगवान ने फरमाया पत्नी को मारा, पत्नी का प्रशोध कर लो इसी स्टेज के ऊपर, इसी जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ ही एक मिलिट्री के एयरफोर्स के कमांडर थे, डिप्टी कमांडर, उनका पिता भी यहाँ थे, वो डॉक्टर थे, और इधर मैं बैठा था ऐसे जगह कुर्सी हैं। तो उसने अपने लड़के को आवाज़ दी कि बेटे भी अपनी माँ को पास लाना इधर। वो डॉक्टर साहब भी बूढ़े थे, पेंशनर थे, उनकी माँ को सारा दे के लाया। तो उन्होंने कहा रात की मुझे नींद नहीं आई, कहते मैं कल का यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं मुझे क्या रोशनी मिली है, मैं श्रीमती जी के ऊपर मैंने हाथ उठाए हैं, हाथ उठाने का मतलब मारा है, तो अपने सिर से या पीड़ी पगड़ी है ये उठा खोल के उनके पाँव में रखने लगे, उतार ली। तो पत्नी ने पकड़ ली, लड़का भी रोने लगा, वो भी रोने लगी, बाप भी रोने लगा। पूज्य भगवान कहते हैं जब इस दृश्य को हम देखते हैं हमें परमानंद प्राप्त होता है, हमें महान अनुभूति होती है सुख की, कि जब हम ये दृश्य देखते हैं कि रिश्तों की मैल धुल गई है और आपसे मेल हो गया है। लेकिन ये है मुश्किल, बस की बात नहीं है आदमी की, वो रोशनी और शक्ति पूज्य भगवान की है ऐसी, हृदय हो सही। और उसके आगे जो नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से मोक्ष की बात कही है,
कि जितने नीच अनुराग हैं, जितने नीच घृणाएं हैं, हम उनसे तुम्हें मोक्ष देंगे। मेरे पास एक टैगोर का लेटर है जो मैं आज पढ़ के सुनाऊंगा, कविता का उनका। अगर टैगोर ये लिख सकते हैं तो हम सोचे हमारी फिर क्या औकात क्या है। टैगोर बहुत महान इंसान हुए हैं। बलराज सहनी ने लिखा कि मैं पंजाबी में क्यों लिखने लगा। उन्होंने कहा मैं बलराज सहनी बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, इंसान बड़े कमाल के थे। तो उन्होंने लिखा मैं लाहौर में, चूंकि वो शांति निकेतन में बलराज सहनी पढ़ाते थे उनके अंडर, तो वो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आए हैं, मैं मिल के जाता हूँ। तो वो जब मिलने आए तो कहते वो यूँ कुर्सी को बैठे थे, बड़ी उनकी दाढ़ी थी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे दुनिया के बादशाह बैठे हैं। कवि थे, आर्टिस्ट थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे। तो कहते बातों बातों में उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे पता लगा तुम लिखते हो। कहते हाँ महाराज मैं लिखता हूँ गुरुदेव, मैं लिखता हूँ। कहते किस लैंग्वेज में लिखते हो। वो उन्होंने एमए इंग्लिश की गवर्नमेंट कॉलेज से, राजस्थानी ने की थी लाहौर से, बहुत बड़ा कॉलेज था। उन्होंने कहा जी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बोली कौन सी है। वो कहते माँ बोली तो मेरी पंजाबी है, तो उसमें क्यों नहीं लिखते। कहने लगे मैं उसमें लिखूँ तो उसमें तो कोई पढ़ने ज़्यादा लोग मेरे ऑडियंस ही नहीं है, तो इंग्लिश में तो ऑडियंस बहुत है। कहते उन्होंने बड़ी आंखें थी मेरी तरफ ऐसे देखा, तेज से भरे हुए उनकी आंखें थी। उन्होंने कहा बलराज सहनी अगर तुम्हारी माँ गरीब हो तो फिर तुम क्या करोगे, क्या करोगे, किसी और को माँ बना लोगे जो अमीर है। कहते हैं ऐसे फिक्रे कहे रात नींद नहीं आई। और अगले दिन बलराज सहनी कहते हैं कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं पंजाबी में लिखूंगा। ऐसे बदलने वाले थे। उन्होंने वहाँ उसको कहा था कि बंगाली भाषा भी गरीब थी जैसे पंजाबी भाषा है, लेकिन बंगाली भाषा को मैंने 50,000 नए शब्द दिए हैं और शरत चंद्र बोस ने उसको 35,000 शब्द दिए हैं। अरे तुम नए शब्द डालो इसमें, तुम्हारी माँ बोली भी अमीर हो जाएगी। वो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अब यहाँ ये जो है, अब ये टैगोर को कौन बचा सकता है इस मुसीबत से जिसमें वो फंसे हुए। ये गीतांजलि यूं ही नहीं मिली उनको, उसमें नोबेल प्राइज मिला। ये कविताएं लिखी हुई हैं उसमें, उसमें उन्होंने लिखा है मेरे मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं। कल गणित बता रही थी ना मोह क्या होता है, मोह को मामूली चीज नहीं होता। जिनके साथ हम सुख से बंध जाते हैं, बार बार सुख की क्रिया करते करते वो जंजीरें इतनी मजबूत हो जाती हैं, उसको मोह कहते हैं। मेरी मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं, तो तू इसे तोड़ दे। ईश्वर से अपने उससे कहते हैं कि तू इसे तोड़ दे। मेरी कामना है किंतु इसे तोड़ते हुए मेरा मन दुखी हो जाता है। मुक्ति मांगने के लिए मैं तेरे पास जाता हूँ किंतु मुक्ति की आशा से भयभीत हो जाता हूँ। अरे यह मनुष्य है, ये टैगोर लिख रहे हैं, टैगोर का असाधारण व्यक्ति हैं। कहते मुक्ति की भीख तो मांगता हूँ लेकिन भयभीत हो जाता हूँ, किंतु मेरे जीवन में तू ही मेरा सर्वश्रेष्ठ निधि है। अपने इष्ट देव को लिख रहे हैं। तोसा अनमोल धन कोई दूसरा नहीं है ये मैं जानता हूँ, किंतु मेरे घर में जो टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें भी फेंकने को दिल नहीं करता। जो आवरण शरीर पर पड़ा है, हृदय पर पड़ा है, वो धूल धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है। मेरा मन उसे धिकारता है, मेरा मन उसे धिकारता है, तो भी उससे मुझे लगाव है। क्या क्या रोशनी है उस आदमी के अंदर, सात्विक रोशनी की बातें हैं ये। देव रोशनी होती तो निकल जाते इसे, देव ज्योति होती। जो आवरण, किंतु मेरे घर में जो फूटे बर्तन हैं उन्हें भी फेंकने को दिल नहीं मानता। जो आवरण शरीर पर पड़ा है, हृदय पर पड़ा है, वो धूल धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है। मेरा मन उसे धिकारता है, तो भी मुझे उससे लगाव है। हमारी हालत ऐसी है, नज़र नहीं आती हमें। शरदे कनल जी फरमाया करते थे, जिनकी वो पांचवी फोटो है यहाँ, वो कहते अगर आदमी को रोशनी मिले रोता ही फिरे कहते।
कहते है उसके पटारी में है क्या, मेरे ऋण की, मेरे ऋण का अंत नहीं है। ऋण किसको कहते हैं, पैसे नहीं, जो उपकार हुए हैं समाज से, लोगों से, उधर इशारा है, मेरे ऋण का अंत नहीं, मेरे खाते में अनेक जनों की रकमें जमा हैं, जो मैंने सेवाएं पाई हैं वो जमा हैं। आगे और लिखते हैं, मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी हैं। अरे बड़ा हृदय चाहिए फाड़ के लिखने के लिए, टैगोर, टैगोर तो क्या इंसान थे। मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी हैं, मेरी लज्जा की कोई सीमा ही नहीं है। यहां तो नोबेल प्राइज मिले ना इसको। फिर भी जब कल्याण की भिक्षा मांगने तेरे सामने आता हूं तो मन ही मन में उससे उस डर से कांपता हूं कि कहीं मेरी भिक्षा स्वीकार ना हो जाए। ये अपने इष्ट देव को लिख रहा है। हमारी तो प्रार्थनाएं भी झूठी हैं, हमारे तो भाव प्रकाश भी झूठे हैं, हमारा जो बात हम करते हैं सब झूठ उसमें मिला हुआ होता है कि कहीं मेरी भिक्षा स्वीकार ना हो जाए। मेरे शरीर व हृदय के मैले आच्छादन आच्छादन को तू उतार ना ले, मेरी बंधन श्रृंखला को तू तोड़ ना दे। ये टैगोर लिखते हैं। ये यहाँ कौन वो इनको बचा सकता है, पूजने उगाने का हम बचा सकते हैं। ये शरदे श्रीमान जी की फोटो है ना, मैंने बताई इधर लगी हुई, इन्होंने 1892 में शरदे श्रीमान देव समाज में आए। वो रुड़की कॉलेज में उन दिनों पढ़ते थे, और पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फिरोजपुर में पढ़े। बहुत जीनियस स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा दिमाग था, और उनके अंग्रेज प्रिंसिपल थे। उन्हें वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन जो थी वो 10वीं जमात में याद थी, जवानी जो एमए में पढ़ाई जाती है मिल्टन की। मिल्टन तो बहुत बड़ा क्लासिकल राइटर हुआ है। तो वो वहाँ से पढ़े थे और उन्होंने टॉप किया था। एक गोरा उनसे आगे था, इंडियन में से टॉप किया था। उन्हें पूजनीय भगवान के अखबार पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भी अखबार की चंद लाइनें पढ़ी, एक आर्टिकल पढ़ा, मैं तेरी नहीं, तो कहते मेरा जीवन हिल गया। वो अभी लगे थे उन शुरू में शायद ओवरसीज लगे, वो की तो इंजीनियरिंग थी उन्होंने, तो उन बहुत बड़े चांसेस थे उनके। तो वो अपने जो गोरा था उसके आपस में गए, तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हमने कन्फर्म कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कन्फर्म हो गया। कहते कहाँ, तुम्हें पहले पता लग गया? कहते हाँ जी मुझे पहले पता लग गया। कहते कहाँ, क्या बात हुई? कहते जी मैंने रिजाइन मेरा स्वीकार कर ले, मैंने छोड़ दी, मैं अपना आप जीवन बचाना चाहता हूँ, बाकी बातें बाद में करूँगा। उन्होंने लिखा कि मैं पूज्य भगवान की जब रोशनी मिली, अपनी जीवनी लिखी है, मैं इधर की बातें नहीं बता रहा, कोई फर्जी भी नहीं बता रहा, कहानी भी नहीं बता रहा, कि जो कोई पाप था, पूज्य भगवान को लेटर लिखे हुए हैं, वो कौन सा पाप था जिसके करने का मुझे मौका मिला मैंने ना किया हो, आपकी ज्योति और शक्ति मिली मेरा पाप जीवन खत्म हो गया। और पूज्य भगवान उनकी डेथ के ऊपर कहा था, और पूज्य वो कहते थे मेरा सबसे ज्यादा शत्रु घमंड है महाराज। तो पूज्य भगवान ने फरमाया था ये घमंड से मोक्ष लाभ कर ली देव सिंह ने, मोह बंधन से मोक्ष लाभ कर ली इन्होंने, और परोपकार का अनुराग पैदा हो गया और मेरे व्रती कर्मचारी बन गए। वो उन्होंने लिखा है कि मेरे हालांकि तापदेह खो गया था, छोटी उम्र थी, 52 साल की उम्र डेथ होगी उनकी। तो उन्होंने लिखा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सिवाय अपने को निजी जरूरतें पूरी करने के बाद, मेरा सारा काम वक्त जो है वो लोगों को निज जीवन से निकालने और उनके अंदर उच्च जीवन पैदा करने और पूजन भगवान के प्रभाव पहुँचाने में सर्फ होता है। महाराज मेरे सुभाग की कोई सीमा ही नहीं है। और उनके भतीजे प्रोफेसर मैं जानता हूँ उनको, रतन सिंह गिल ने कहा एक दफ़ा कि ताया जी अगर आप
बाहर की दुनिया में होते आप बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े इंसान होते, हज़ारों रुपये पेंशन मिलती। कहते तेरी बात तो ऐसी है कि मैं देवत सिंह ना होता, ऊँट होता, इतना बड़ा ऊँट होता। ये तो क्या बातें कर रहे हो। वो जीवन प्राप्त कर लिया और हज़ारों को आगे पूजनी भगवान का दान पहुँचा के निज जीवन से निकाला। ये निज जीवन से निकालना और उच्च भाव पैदा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। करके देखें अब, मुश्किल काम है। अब मुश्किल तब है जब हम करने लगेंगे अपनी बुद्धि शक्ति से, जब पूजनी भगवान के प्रभाव मिलेंगे और उनकी ज्योति शक्ति से काम चलेगा तो ये सारा कुछ हो जाएगा। पूजनी भगवान ने इससे आगे एक और बात फिर कही, हम तुम्हें सारे धर्म मूलक मिथ्या विश्वासों से मोक्ष दे देंगे। ये बहुत मुश्किल मामला है। आपने अरविंद घोष का नाम सुना है? सुना होगा कहीं। उन्हें बहुत महान आदमी हुए हैं, बहुत महान आदमी हुए हैं। ICS